हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोस्तों, देखा जाए तो आईपीओ में जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था, वैसा ही यहाँ पे होते हुए हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। एंड फाइनली अगर देखा जाए तो ये जो आईपीओ यहाँ पे जब लिस्ट हुआ तो हम लोगों को डिस्काउंट में यहाँ पे लिस्ट होते हुए देखने को मिल जा रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पे बातें करें तो अब आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये सवाल नॉर्मली सभी लोगों के मन में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही बताने वाले हैं कि इस कंपनी में अभी आप लोगों को आगे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बातें होने वाली है। एंड दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बनाया था। अगर मैं आपको दिखाना भी यहाँ पर चाहूँगा, आप यहां पे देख भी सकते हैं दोस्तों कि करीब 3000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को यहां पे देखा है। एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे थंबनेल में अलर्ट भी आप लोगों को यहां पे किया हुआ था इस वीडियो से रिलेटेड। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को यहां पे मालूम होगा कि यहां पे आप लोगों को मैंने यहां पे क्या बताया था। उसी के अलावा जोमेटो से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बताई थी, तो वो भी आप लोग यहाँ पे उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे अभी देखने को मिलने ही वाला है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे सीधा फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मार्केट बंद होते वक्त ये कंपनी हम लोगों को 535 रुपये 45 पैसे पे देखने को मिल जा रहा है। अगर आप लोग इसके कट ऑफ प्राइस आप लोगों को अगर ध्यान में होगा तो 577 देखने को मिल जा रहा है। तो वहाँ से अगर देखेंगे तो करीब 5.5 से 6% ये हम लोगों को डाउन ही देखने को मिल जा रही है। लिस्टिंग की बातें करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। शायद से उतना अच्छा मैं बता पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन समझ में आप लोगों को जरूर से आने वाली है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बताएं कि इसकी जो लिस्टिंग हुई है दोस्तों, अगर वो उसकी अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्काउंट में देखने को मिली है। एंड करीब 522 रुपये के आसपास ये लिस्टिंग यहाँ पे हम लोगों का इसका देखने को मिला है। उसके बाद इसमें आप लोगों को दोस्तों एक जंप देखने को मिली थी, मतलब ये कंपनी यहाँ पे जब ये लिस्ट हुई थी उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग देखने को मिली। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ था कि जो लोग केवल यहाँ पर आईपीओ में केवल लिस्टिंग के लिए आए होंगे दोस्तों, वो लोग ज़रूर से यहाँ पर सेलिंग करेंगे। तो वैसा ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, इसमें हुई। एंड ये कंपनी मिनिमम बातें करें तो करीब 511 के आसपास या उसी के आसपास यहाँ पे गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग चेक भी कीजिएगा, शायद से यहाँ पे मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ तक ये गई थी। उसके बाद से दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे इसका जो वैल्यूएशन है, ठीक है, इस कंपनी का जो वैल्यूएशन जिस प्राइस पे ये आईपीओ यहाँ पे लेकर के आए हुए थे उसके हिसाब से ये हम लोगों को ठीक ठाक वैल्यूएशंस में देखने को मिल जा रहे थे। जिसके दम पे अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो ओवरऑल उसके बाद यहाँ पे इस कंपनी में थोड़ी सी जंप देखने को मिली। एंड यहाँ पर अभी की बातें करें तो यहाँ पर जो हम लोगों को देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 535 रुपये 45 पैसे पर ये अभी हम लोगों को यहाँ पर गूगल पे देखने को मिल जा रहा है। तो शायद से इसमें भी आप लोगों को थोड़ी सी फर्क देखने को मिल सकती है। तो एक चीज याद ध्यान रखिएगा, हो सकता हो कि कुछ इरर्स हो, उसके वजह से यहाँ पे देखने को मिल ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा करते हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चलते हैं, तो वहां पे शायद से कुछ चीजें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिनो पेमेंट्स का ही मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आप देखिए ये 543 रुपये 90 पैसे पे यहाँ पे बंद हुआ है, जो कि ओवरऑल 6% के गिरावट के साथ यहाँ पे बंद हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था वहाँ पे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल इरर देखने को मिले। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि 543 रुपये 90 पैसे पे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, जो कि करीब 6% डिस्काउंट में है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आज क्या क्या हुआ है इस कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग मेन पॉइंट कि हम लोगों को यहां पे आगे क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को इस कंपनी में को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, जिन लोगों को यहां पे अलॉटमेंट हुआ है, क्योंकि वो लोग यहां पे 6% उनको घाटा ही यहां पे हो रहा है। तो चलिए उससे रिलेटेड पहले एक डाटा देखेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे।
दोस्तों अभी हम लोग उस डाटा के ऊपर आ गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आईपीओ में जो डाटा हम लोगों ने देख रहे थे कि 3 साल का इसका जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इन्होंने पेश किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिल रही है 19 में -623, 20 में -320, 21 में प्लस में 204 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। तो इनके प्रॉफिट में एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि जो पहले जो घाटा था वो अगले एक साल में वहाँ पर सीधा आधा होते हुए देखने को मिला, एंड नेक्स्ट ईयर की अगर हम बातें करें 21 में तो वो जो घाटा है माइनस में था वो अभी हम लोगों को सीधा प्लस में देखने को मिल जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे हम लोगों को ग्रोइंग मोड में देखने को मिल जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड प्रॉफिट अगर यहाँ पे कंपनी अच्छा यहाँ पे ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सो दोस्तों जो भी लोग यहाँ पे अभी आप लोगों के सवाल का जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे बाय किए हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए अलॉटमेंट में उनको लगा हुआ है, ठीक है, वो लोग घाटे में यहाँ पे दिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, सो उनके लिए यही सलाह होगी क्योंकि इसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद हम यहाँ से कहना चाहेंगे कि ज़रूर से आप लोगों को थोड़ा टाइम तक हो सकता है वेट करना पड़े, या फिर मंडे को आप लोगों को इसमें जंप भी अच्छी देखने को मिल सकती है, इसकी चांसेस है। लेकिन मार्केट दोस्तों मार्केट से ऊपर कोई भी नहीं है, मंडे को चांसेस है कि अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी मार्केट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं भी जंप आती है तो भी मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए। बाय करने से रिलेटेड जिनके सवाल है दोस्तों उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर चाहें तो इस कंपनी को यहाँ पर बाय भी करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वेट करना चाहते जो लोग यहाँ पर फ्रेश बाय लिए सोच रहे तो थोड़ा सा वेट भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा तो आपका है दोस्तों, मर्जी आपकी है। मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन किसी को भी यहाँ पे नहीं देता हूँ, मैं वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से ही यहाँ पे बनाता हूँ ताकि लोगों को मैं कुछ सिखा सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, इनके लिस्टिंग से रिलेटेड इन मतलब जो चीज़ें बताई थी वो सभी यहाँ पे सही हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा आज की बातें करें तो जो सवाल आप लोगों को यहाँ पे थे उसको भी जवाब यहाँ पे दे दिए गए हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।